देश के आजादी के 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर रीवा जिले का मुख्य कार्यक्रम एसएएफ मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री तथा रीवा जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण करने के बाद परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। इस दौरान शांति के प्रतीक सफेद कपोतों को छोड़ा और तिरंगे गुब्बारे को हवा में उड़ाकर शांति का पैगाम दिया। इसके बाद हर्ष फायर और पीटी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। आइए आपको ले चलते हैं एसएएफ मैदान, जहां जिले में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मूगंज एवं रीवा जिले वासियों को मूगंज पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ और रक्षाबंधन की लाइसियम कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मोगंज के संचालक अभिमन्यु सिंह सेंगर और एकेडमिक हेड प्रशांत त्रिपाठी की तरफ से जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर जिले वासियों को सुनील सिंह सेंगर लिकर एवं कंस्ट्रक्शन कंपनी आर्या ग्रुप की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। शहर वासियों को अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी जनपद पंचायत नई गरही की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Thank you.
आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इन रंगीन गुब्बारों का, फिर से भारत का संकल्प। जय हिंद, जय भारत, जय अगस्त क्रांति। समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, रीवा जिला और मऊगंज जिले के समस्त जनता जनार्दन को, भाई बहनों को और नई गढ़ी जनपद क्षेत्र के सभी देवतुल जनता को 15 अगस्त आजादी के महापर्व की बहुत सारी बधाई, शुभकामना और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये आजादी का पर्व एक नई उम्मीदों के साथ आप मनाएं और आपका ग्राम का विकास, सपनों के भारत के गाँव, ग्राम स्वराज का संकल्प पूरा हो। इसी के साथ एक बार फिर आप सबको 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, जय भारत, जय अगस्त क्रांति। सभी क्षेत्रवासियों, जिलावासियों, प्रदेश और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब लोग इस स्वतंत्रता दिवस के दिन मिलकर यह संकल्प लें कि हम देश की एकता, अखंडता को कायम रखेंगे। क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद के नाम पर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। हम देश को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए संकल्पित होंगे। साथ ही साथ शहीदों को नमन करते हुए स्वतंत्रता दिवस के दिन इस बात का भी संकल्प लें कि हम सभी लोग पेड़ लगाएं। आज जिस तरह से हमारा वातावरण दूषित हो रहा है, उसके लिए आवश्यक है कि हर एक व्यक्ति को, देश के नागरिक को जागरूक होना है और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना है, जिससे हमारे देश की जलवायु और पर्यावरण संतुलित रह सके। धन्यवाद। जय हिंद।